हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी में जो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी यूज होते हैं, तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। फर्स्ट इज एंटागोनिस्ट। द एंटागोनिस्ट इज द कैरेक्टर हु अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है मेन हीरो, तो उसको जो अपोज करता है, ऑपोजिट में जो उसके होता है वो होता है एंटागनिस्ट। ऑफन सर्विंग एज द विलेन, हम इसको विलेन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, डार्थ वेडर, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, ये आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे नेगेटिव रोल में। ये मैंने इनकी पिक्चर्स आपके हेल्प के लिए दी है। देखो, डार्थ वेडर एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एंटागनिस्ट के, कि क्लियर मोटिवेशंस एंड गोल्स, उनके मोटिवेशंस, उनके गोल्स क्लियर होते हैं। अ कंपेलिंग बैक स्टोरी और रीजन फॉर देयर एक्शंस, और उनका जो नेगेटिव एक्शन है वो इतने नेगेटिव क्यों हैं, गलत काम क्यों करते हैं, उसके पीछे उनकी बैक स्टोरी। टाइप्स ऑफ एंटागनिस्ट, सो अलग अलग तरीके के एंटागनिस्ट होते हैं। द विलेन, ईविल, नेगेटिव, बहुत ही गलत जो होता है वो एक एंटागनिस्ट है, दैट इज सॉरन। मैं भी उसको भी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। द राइवल, अ कंपिटिटिव और अपोजिंग फोर्स, ठीक है, मतलब एक नेगेटिव ऐसी फोर्स। प्रोफेसर मॉरिट्री। द फॉइल, अ कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद द प्रोटैगनिस्ट। तीसरा है एंटागनिस्ट का टाइप, द फॉइल, मतलब कि जो प्रोटैगनिस्ट के कंट्रास्ट में हो, अपोजिट में हो, लाइक शर्लक होम्स। तो देखो, सॉरन ईविल कैरेक्टर है, और यहाँ पे है प्रोफेसर मॉरिटी द एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट का मेन काम क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसके एबिलिटीज को फाइंड आउट करना, टेस्ट करना एंड उसको रिजॉल्व करना। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, है ना, किसी भी प्ले में या ड्रामा में या मूवी में जो एंटागनिस्ट होता है वो क्या करता है, टेंशन क्रिएट करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, है ना। हाईलाइट द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करता है। सो एंटैगनिस्ट एक जो है, हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्रूशियल एलिमेंट है किसी भी स्टोरी में, पुशिंग द प्रोटैगनिस्ट टू ग्रो। वो कहीं ना कहीं प्रोटैगनिस्ट को, हीरो को ग्रो होने के लिए पुश करता है, एंड ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड, और किसी भी स्टोरी के प्लॉट को आगे फॉरवर्ड लेके जाता है। थैंक यू।